साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों से निरंतर चर्चा की गई और उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि बड़े हुए लॉकडाउन में भी अनुशासन का पालन उसी तरह करना होगा जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि अब कोरोना को नए क्षेत्रों में नहीं फैलने देना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर अब अगर एक भी मरीज बढ़ता है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। अगर कोरोना से मौत होती है तो इससे हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट्स को लेकर अब पहले से भी ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट बदलने की आशंका है उन पर निगरानी करनी होगी। नए हॉटस्पॉट बनने से रोकना होगा वरना ये हमारी चुनौती को और बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगले एक सप्ताह में सख्ती और बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, थाने, जिले और राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा कि उस क्षेत्र में कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसे चल रही है और खुद को कोरोना से कितना बचाया गया है। इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा और जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहाँ हॉटस्पॉट्स नहीं बढ़ने देंगे, वहाँ 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीज़ों की छूट दी जा सकती है। हालांकि बाहर निकलने की शर्त बेहद सख्त होगी। अगर उल्लंघन होता है तो सारी छूट वापस ले ली जाएगी। इसलिए ना खुद लापरवाही करनी है ना किसी को लापरवाही करने देना है। पीएम मोदी ने कहा कि 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट गरीबों की आजीविका को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों की जिंदगी की मुश्किलें आसान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वक्त रबी की फसल की कटाई का काम जारी है। केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कतें हों। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर औसतन 1500 से 1600 बेड की जरूरत होती है, लेकिन देश में 1,00,000 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। 600 से अधिक अस्पताल कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं को और बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में दवा से लेकर राशन तक का पर्याप्त भंडार है। सप्लाई चेन की बाधाएं दूर की जा रही हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त 220 से ज्यादा लैब टेस्टिंग का काम कर रही है। पीएम मोदी ने देश के युवा वैज्ञानिकों से विशेष अपील की है कि विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए आगे आएं और कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटें। पीएम मोदी ने अपने भाषण के आखिर में 7 मंत्र भी दिए और कहा कि इनका पालन करके कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। पहला, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखेंगे, विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पुरानी बीमारी हो उनकी विशेष देखभाल करनी है, उन्हें कोरोना से बचाकर रखना है। दूसरा, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें, घर में बने फेस मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के नियमों का पालन करें। चौथा, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, दूसरों को भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। पांचवा, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठा, अपने व्यवसाय उद्योग में काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से ना निकालें। सातवां, देश के कोरोना योद्धा डॉक्टर, नर्स, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी का सम्मान करें, आदरपूर्वक गौरव करें। अपने भाषण के आखिर में पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करें, जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।